मुझे खुशी है कि जैसान जिला एक ऐसा जिला है जो राजस्थान की पश्चिमी दीवार है, और इस दीवार पे जब आ जाओगे और दीवार से इस जैसलमेर को आप इस अर्ख आपकी नजरों से जब देखोगे तो आप ये महसूस करोगे कि मैं भारत के कोने में आके एक जैसलमेर की धरती को देख रहा हूं। पूर्वजों द्वारा सन 1965 के वार में शहीद हुआ था, उसी शहीद के दिवस में उसके नाम पे, उसका नाम पूनम सिंह था तो इसका नाम पूनम स्टेडियम रखा हुआ है। मैं आप सभी से अवगत कराना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो भागीदारी आपने ली है तो उसको सुचारू रूप से जिले के अंदर करना, ताकि अपने परिवार पे इस प्रकार का कोई भी ये नहीं कहे कि ये बच्चा फेंक गया था, अध्यक्ष बनाया, कहीं कमी नहीं हो। सदन जब ही हो आप अपने आयोजन के अंदर, मैं भी इस जिले का एक चाकर हूँ, एक चौकीदार हूँ, एक सेवक हूँ, ठीक उसी प्रकार से सेवा के रूप में आप अध्यक्षता महसूस मत करना। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पहले तो मैं आपको सबको पूरे राजस्थान को यहाँ देख रहा हूँ, इसलिए मुझे खुशी है कि राज्य खिलाड़ी सब बैठी है, तो खुशी हो रही है कि आज पूरा राजस्थान पवन सिंह जी यहाँ है। इस 31वीं राज्य स्तरीय सीनियर टेलिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता के इस अवसर पर विराजमान हमारे विशेष कर मेहमान जैसलमेर के फर्स्ट नागरिक सम्मान्य हरिवल्लभ जी कलासा, चेयरमैन नगर परिषद जैसलमेर, विराजमान जन मुंशी खान जी, विराजमान मेरे सदन पवन कुमार जी, तमाम बिराजे हुए आदरणीय सभी मंचासीन महत्व महानुभावों, विराजमान सभी अलग अलग जिलों से पधारे हुए खिलाड़ियों, जैसलमेर से पधारे हुए सभी इस खेल के खुशी में और इस आगमन पर विशेष कर इनका स्वागत करने के लिए पधारे हुए सभी महानुभावों, पहले तो मैं ये जिले से पधारे हुए मुंशी खान जी आपका और इस पूरी टीम का, जैसलमेर की जनता की ओर से, हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सजना मुझे खुशी है कि जैसान जिला एक ऐसा जिला है जो राजस्थान की पश्चिमी दीवार है, और इस दीवार पे जब आ जाओगे और दीवार से इस जैसलमेर को आप इस अर्ख आपकी नजरों से जब देखोगे तो आप ये महसूस करोगे कि मैं भारत के कोने में आके एक जैसलमेर की धरती को देख रहा हूं, इसको निहार रहा हूं। सजनों आप खेल तो खेलते हो, खेल के साथ में मेरे जैसलमेर को जब आप देखोगे तो आपको अंदर ये उत्साह आएगी, ये आपके अंदर ये खुशी महसूस होगी कि आने वाला खेल वापिस क्यों नहीं इस पूनम स्टेडियम में हो। ये पूनम स्टेडियम, ये ही मेरे भाई योद्धा और शहीद पूनम सिंह के लिए किया गया है। मुझे इस पे भी नाज है कि खान साहब ये स्टेडियम है, ये मेरे ही पूर्वजों द्वारा सन 1965 के वार में शहीद हुआ था, उसी शहीद के दिवस में उसके नाम पे, उसका नाम पूनम सिंह था तो इसका नाम पूनम स्टेडियम रखा हुआ है। मैं आप सभी से अवगत कराना चाहता हूँ, मुझे और मेरे गांव को और विशेष कर मेरे ये जैसलमेर के भाइयों को इस चीज का नाज है कि पुलिस का सिपाही होते हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में आपने वार में बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कुर्बानी देके इस पूरे जिले का नाम रोशन किया था। इसलिए सजनों मैं आप सबको
इस चीज का भी ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। बंधुआ मुझे खुशी है, मुझे भी इस प्रकार का फख्र है कि आज जिस प्रकार का आयोजन हो रहा है, शायद पता नहीं राठौड़ साहब आपने मेरे बच्चे को इस टाइप से इसका अध्यक्ष बनाया, मैं इसको नहीं मानता, लेकिन फिर भी आपने उसको दायित्व दिया। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ जो भागीदारी आपने ली है तो उसको सुचारू रूप से जिले के अंदर करना, ताकि अपने परिवार पे इस प्रकार का कोई भी ये नहीं कहे कि ये बच्चा बैठ गया था, अध्यक्ष बनाया, कहीं कमी नहीं हो। सदन जय भी हो, आप अपने आयोजन के अंदर, मैं भी इस जिले का एक चाकर हूँ, एक चौकीदार हूँ, एक सेवक हूँ, ठीक उसी प्रकार से सेवा के रूप में आप अध्यक्षता महसूस मत करना, एक सेवा के रूप में रहकर इस खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे ऐसी महसूस करके अपने तन और मन धन से इनकी पूरी खिदमत में कमी मत रखना। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में, मुझे भरोसा है इस पूरी कमेटी पे के सजना आपको किसी चीज की कमी नहीं आएगी। खान साहब, विशेषकर आप सभी सदन जो मंचासीन है, मैं यही चाहता हूँ आप सहयोग मांगना, जिस चीज की भी कमी है आदरणीय फख्र के साथ ऑर्डर मारना। मेरे देश अमेरिका निवासी, हमारी आज ही नहीं पूर्वजों ये समाचार आए, मेरे गांव जाओगे तो होटल नहीं मिलेगी, मेरे गांव में कोटड़ी मिलेगी और कोटड़ी के अंदर खिदमत के अंदर हमारा गाँव पूरा मुड़ के आपके पास आएगा। ठीक उसी प्रकार से हम जैसलमेर वासी भी हम जाएंगे, आपकी खिदमत में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे ऐसी सोच के साथ हमें आपको आश्वस्त करते हैं कि ये होगा और रहेंगे। पुनः आपने एक घोषणा के बारे में निवेदन किया है, घोषणा आदरणीय कलासा बिराजे हैं जिले के तो छोटू को बना दिया है सेवक के रूप में, लेकिन फर्स्ट नागरिक प्रमुख साहब है, लेकिन शहर का फर्स्ट नागरिक हरी वल्लभ जी कल्ला है। घोषणा इनसे करवाओ तो उसकी सुशोभित और अलग अच्छी लगेगी। हम तो परिवार के सदस्य हैं, आपने बुलाया इसलिए आया, घोषणा आदरणीय कल्ला जी करेंगे, ये अच्छा लगेगा। पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हुआ आपको धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा ध्यान रख के बच्चों का पूरा ख्याल रखना। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अब एक मुंशी खान जी ने बहुत बड़ी मेरे पे दायित्व दिया, पसंद दिया है कि सभी स्टेट में जो भी टेनिस और क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको नौकरी पेशे के लिए परसेंटेज 2% दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हालांकि मैं घोषणा वाला आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैं राजस्थान की असेंबली का सदस्य हूं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं जहां तक कोशिश हो सकी पूरी कोशिश के साथ हमारे आदरणीय राजस्थान के मुखिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी बात रखूंगा और पूरी कोशिश और किसी भी तरीके से ये चाहूंगा कि आने वाला खिलाड़ी जिसका पैर एक जैसलमेर की धरती पर पहुंचा था, उस धरती को इस खिलाड़ियों ने पवित्र किया है, ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में इस बच्चों का नौकरी पेशे में भी परसेंटेज होना चाहिए और कराते रहेंगे, ये आपको आश्वस्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।